आज पेंड खाने पे आज पेंड के मीठे मीठा मेरा कद्दू का अस्सलामुअलैकुम ए सारे राणा उस्ताद खज्जी चंगे ना पाए ये देख कि मैं चंगे ने जो सारी रे तेल दसे ने ये देखो कि मैं चंगे ना पाए आराम से तो अपन क्यों खाना बैठे हैं केरा जवान है पता नहीं बिया कोता जास बिया वो जंगली उड़ो शरीर दे चढ़ जाता है ए जंगली है क्या आप देख रहे हैं YouTube चैनल ये हमारे बंदे ने झांको आओ ये क्या हुआ बड़े लोग इच्छो वालों वाले काटे वहां काट मार जा सही है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये असा निब्बू दे बाग च है निब्बू का बाग मोटा हाईब्रिड निब्बू जे बगैर बीज आला निब्बू है ये असा उंदे बाग दे विच है अपना हर पासे सब्जा ऐसी एटमॉस्फेयर तो कितने भी ना मिल सी सिर्फ और सिर्फ सारे बाग इच मिल सी तुसा रौनक देखो खूबसूरती देखो हरियाली देखो ग्रीनरी ये जो आप लोग ग्रीनरी देख रहे हैं इस पर भी मेहनत होती है इस पर भी एफर्ट होती है इस पर भी ज़ीरो से लेकर फिर 100% तक एफर्ट होती है फिर उसके बाद ये ग्रीनरी बनती है आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है ये लीमू का बाग है गार्डन लीमू गार्डन जिसे आप कह सकते हैं तो वो ये लीमू गार्डन है बिल्कुल अभी इसने फल लेना मतलब है फल उठाना शुरू किया ये आपको नज़र आ रहा होगा छोटे छोटे लीमू लगे हुए हैं इस पर ये देखें जी बहुत बड़ा गार्डन है आपको नज़र आता जाएगा मैं जैसे जैसे आगे चल रहा हूँ ये आपको नज़र आएगा गार्डन लीमू गार्डन और इस पर लगा भी हुआ है लगा हुआ है ये देखें जी ये लगे हुए हैं इस पर इतना बड़ा साइज लीमू का आप देखें बगैर बीज के आगे चलते हैं ये छोटा साइज भी लगा हुआ है उससे आगे ये देखें लगे हुए हैं जितना जितना आगे चलते जाएंगे आपको लीमू ही लीमू नजर आएंगे मैं बिल्कुल अंदर घुसा हुआ हूँ और ये जो शाखें नीचे लगी हुई है ना डी शेप में ये जो डी शेप हुआ पड़ा है इसको इंशाल्लाह यहाँ से कटिंग करेंगे यहाँ से कट करेंगे फिर इंशाल्लाह ये ऊपर आ जाएगा ये जो डी शेप हैं शाखें जिन दोस्तों की जिन अपने भाइयों की लीमू की तो नीचे वाली शाख को थोड़ा सा तराश काट करनी चाहिए क्योंकि इससे फिर दोबारा शेप अच्छी बनती है और फल भी ज़्यादा होता है तो इसीलिए देख सकते हैं आप